हेलो नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन मेंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सारे स्टूडेंट्स एक बार लाइव हो जाएंगे, लिंक को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में। और ये आपको पता है कि लेखपाल यूपी में जो 5200 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है उसके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप अभी तक क्लासेस अटेंड नहीं की हैं, क्योंकि क्लासेस 24 अप्रैल से लगातार लाइव चल रही हैं यहाँ पे। आज इससे पहले हमने मैथ्स में आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया एक छोटी सी वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से उस वीडियो को देखें कि क्या सिलेबस रहने वाला है। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर का यानी पुराने साल में जो पेपर आया था, इससे पहले जो वैकेंसी थी ये 2015 में थी। तो 2015 में जो इसका एग्ज़ाम पेपर था जिसमें 25 क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के, वो पूरे क्वेश्चन का हमने 25 की 25 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया, ट्रिकी वे में सॉल्यूशन करके दिखाया। आपने वो क्वेश्चंस को देखा, पीडीएफ आप लोगों को मिल गई होगी। अगर आप में से अभी भी कोई पीडीएफ नहीं मिल पाई है किसी को, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, 9121815869, राइट। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे सारे लोग, जिसमें आपको टोटल पीडीएफ जो भी हम सिलेक्शन के लिए आपको दे रहे हैं रेगुलर वे में, डेली एक पीडीएफ आपको मिल जाती है प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा जो लाइव क्लासेस के लिंक हैं वो आप तक मिलते रहते हैं। अगर बात करें कि लाइव क्लासेस कब कब चल रही हैं, तो डेली सुबह छः बजे जनरल स्टडीज़ की क्लास बाय विरद दुबे सर, उसके बाद ठीक 7 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है हिंदी, जो कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे, सेम बाय विरद दुबे सर। उसके बाद 8 बजे आपको एक क्लास मिल रही है जो है मैथ्स की बाय मी अमंकुर शर्मा। आपने देखा सिलेक्शन मेंटर पे हमने अभी इससे पहले एफसीआई की प्रिपरेशन कराई जिसमें लगभग 4000 वैकेंसीज थी। सो 2000 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हमारे थ्रू हुआ, जो हमने उनका प्रीलिम्स लेवल में और मेंस लेवल की यहाँ पे तैयारी कराई शुरू से एंड तक, और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली 2000 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द सिलेक्शन मेंटर। अभी यहाँ पे बारी है 5200 वैकेंसीज की, यानी कि लेखपाल यूपी लेखपाल वैकेंसीज। तो उसके लिए यहाँ पे क्लासेस पूरी तरीके से ऑन है, लगभग चौथा दिन है। ये सिलेबस मैंने आपको बताया था, एक बार देखेंगे ध्यान से। आज अगर बात करें तो 01 फर्स्ट क्लास है जो सिलेबस के तौर पे बात करें। हमने इस सिलेबस को मोटे तौर पर 4 भागों में विभाजित कर दिया है। जैसे इस पोर्शन की बात करें, सबसे क्रूशियल पोर्शन है ये, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक या फिर बोल दें अंकगणित। और सबसे जो मेन चीज टारगेट रहेगा हमारा, वो सबसे पहले इसी पोर्शन पे रहेगा कि इस पोर्शन को काफी अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ाया जाए, जिससे इस एग्जाम के साथ साथ और भी कई एग्जाम आपके साइड में, वो भी आपके क्लियर होते चले। एक बार इस डिटेल सॉल्यूशन को एक बार फिर बताएंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो हमें पढ़ना है वो ज्योमेट्री, यहां से 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, एलजेब्रा से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन थे, और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे। ठीक, तो बात करें जैसा कि ये चैप्टर्स हैं, सबसे नंबर 1 पे चैप्टर आएगा आपका नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति को अगर हम ब्रेक करें चैप्टर्स में, तो 4 तरीके से लगभग हमारी क्लासेस आएंगी यहाँ पे। जैसे नंबर 1 पे क्लास कौन सी आएगी, वो आज हम कंप्लीट कर देंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो नंबर्स का पूरा वर्गीकरण है कि भाई परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, भाज्य अभाज्य क्या होती हैं, पाई जो है वो रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, जो 1 है हमारा, मतलब ये छोटे छोटे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं जो यूपी SSSC के एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसके अलावा बात करेंगे हम, एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, यहां से एक नंबर जरूर बनता है, हिंदी में बोलेंगे इसको इकाई का अंक। यानी कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसमें पूछेगा कि इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या होगी, यानी इकाई का अंक क्या होगा। उसके बाद एक बात करें डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा। पहले हमें रूल समझने होंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें करना होगा, ठीक है। उसके अलावा आ जाएगा आपका फ्रैक्शंस,
यानी कि फ्रैक्शंस इसके बाद यहाँ पे आ जाए, मतलब चार पांच पार्ट से और एक टॉपिक मेन बचता है आपका, वो है शेष फल प्रमेय। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो ये चार से पांच क्लासेस आपकी होने वाली हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्लासिफिकेशन की, तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन को। बहुत आराम से डिटेल में समझेंगे, यानी कि एक एक चीज की बारीकी को समझेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछ सकता है, राइट। तो सबसे पहले एक ऊपर हेडिंग डाल देंगे सब लोग, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। देखिए, सबसे पहले जब नंबर सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जो नंबर्स हम देखते आ रहे हैं एग्जाम्स में या फिर अपने सिलेबस में, कि 1, 2, 3 या 1.2 या डिवीज 1/2 या 3/2 या फिर अंडर रूट में कुछ नंबर्स होते हैं, सारे नंबर का एक क्लासिफिकेशन होता है। अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की मोटे मोटे तौर पे बात करें तो दो तरह के नंबर होते हैं बस, वो होंगे आपके, एक तो आते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, और एक आएगा अवास्तविक। एक वास्तविक हो गया, एक अवास्तविक हो गया। अवास्तविक का मतलब है इमेजिनरी, मैं इंग्लिश में भी लिख दूं इमेजिनरी, यानी कि ये संख्याएं वो होती हैं जो आपने 10th क्लास में आई वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे, आयोटा वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे ना, आई लगा देते हैं उसके बीच में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपके एग्जाम में सिलेबस में नहीं है। तो ये चीज तो हमें पढ़नी नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़नी है, यानी कि हमें रियल नंबर पढ़ने जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन कौन से रियल नंबर होते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम रियल नंबर को क्लासिफाई कर सकते हैं। रियल नंबर को सिर्फ दो तरीके में क्लासिफाई करेंगे कि या जो हमारा रियल नंबर है वो या तो डिवीजन की फॉर्म में होगा, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से देखेंगे कि या तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा या P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होगा। यहां से डेफिनेशन निकल के आती है, मैं बोलूंगा इसको परिमेय संख्या, हिंदी में नोट कर लेंगे परिमेय संख्या, या इंग्लिश में लिख दूं मैं यहां पे रेशनल नंबर। अब जब एक रेशनल हो गया तो दूसरा क्या होगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर। एक हो गया रेशनल, एक हो गया इरेशनल, या हिंदी में लिख दें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई, परिमेय और अपरिमेय के बीच में से ही क्वेश्चन बनने वाला है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसके आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं, बहुत आराम से देखिए भाई। परिमेय को मैंने क्या बोला, ऐसे नंबर्स जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंग्लिश से उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन निकल के आती है, यानी रेशियो की फॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं मोटा मोटा कि भाई लिखा मैंने 2/3, कि क्या 2/3 एक नंबर परिमेय है, तो आप कहेंगे हाँ परिमेय है, ठीक है। अब इरेशनल कौन से होंगे, ठीक है, इरेशनल कौन से होंगे, मैं एग्जांपल दूं अंडर रूट 2, भाई अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय नंबर है, ठीक है, या एक नंबर होते हैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, ये भी एक अपरिमेय नंबर है। इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन यानी कि बहुत डीपली हम समझेंगे, पहले और फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन में यहां से हटा देते हैं। परिमेय संख्या को अगर मैं डिवाइड करूं, परिमेय संख्या दो तरह से होंगी भाई, ये जो हमारे पास नंबर है, अच्छा मैं एग्जांपल दूं 5 क्या है, 5 परिमेय है, तो आप कहेंगे बिल्कुल परिमेय है क्योंकि 5 के नीचे भी तो 1 लिखा है, या लिखा मैंने 6 तो 6 के नीचे भी 1 लिखा है। अच्छा मैंने लिखा माइनस का 3/2, क्या ये परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले आगे पढ़ते हैं, फिर से मैं इसको डिटेल में अगली स्लाइड में इसको परिमेय और अपरिमेय में प्रॉपर डिफरेंस करके क्वेश्चंस निकालेंगे यहां से कि कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक। अगला देखेंगे, अगर मैं बात करूं कि भाई परिमेय संख्या को फर्दर क्लासिफाई अगर मैं करूं तो दो तरह से निकल के आएगा, एक तो आएगा इंटीजर, दूसरा आएगा डेसिमल। डेसिमल, डेसिमल मतलब दशमलव, हिंदी में भी लिखेंगे, और इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर का मतलब है पूर्णांक। हिंदी भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम आपका हिंदी में होगा, हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं बेसिकली, लेकिन इंग्लिश के टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए जिससे दोनों तरह के बच्चों को सहूलियत मिले। पूर्णांक, अब इंटीजर यानी कि पूर्णांक, डेसिमल तो आपको बात समझ में आई, मैंने लिखा 5.3। अब देखिए ये परिमेय का ही पार्ट है 5.3, कि क्या 5.3 एक परिमेय संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल परिमेय है, क्यों है, क्योंकि दशमलव हटाया नीचे 10 आ गया, तो ये कितना बन गया 53/10 बन गया,
यानी कि ये परिमेय संख्या है। तो ये जो क्लासिफिकेशन इतना निकल के आया है ये परिमेय का चल रहा है अब, ठीक है। अब देखिए इंटीजर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, इंटीजर सिर्फ दो तरह के होंगे, एक तो हो जाएंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, एक हो जाएंगे ऋणात्मक। क्या बोला मैंने भाई, एक तो हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक, ठीक। लेकिन बीच में एक चीज और निकल के आएगी, वो है जीरो। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। धनात्मक का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ गई, इस चार्ट को नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है अगर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ रहा है तो। अब देखेंगे उसके बाद, देखिए धनात्मक और ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद अब ये जो धनात्मक कौन से हो गए, जैसे मैं अगर एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे यहाँ बताता हूँ साइड में। हमने एक लाइन बनाई, लाइन में बीच में जीरो है, आगे वन गया, फिर दो गया, फिर तीन, फिर चार, पाँच, ये नंबर लाइन बोलते हैं इसको। इधर मैं क्या लगाया, माइनस का वन, इधर क्या माइनस का टू, इधर माइनस का थ्री, माइनस का फोर, यानी ये वाले तो हो गए भाई धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। इतना समझ में आया। अब उधर वाले क्या हो गए, उधर वाले हो गए ऋणात्मक इंटीजर्स, ठीक, धनात्मक ऋणात्मक। इतना समझ में आ गया। अब जीरो क्या होगा, अब जीरो क्या होगा, देखिए ऋणात्मक ये हुए ना, जीरो क्या होगा, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है भाई, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर है और ना वो नेगेटिव इंटीजर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव, उनको अगर मैं फर्दर क्लासीफाई करने बैठ जाऊँ, या फिर एक काम करते हैं, जीरो को मिला दिया ना मैंने अगर, तो उसको बोलेंगे होल नंबर। चलिए ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे आएगा, अलग से बताता हूँ मैं। वन टू थ्री फोर डैश 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 इनफाइनाइट तक, उसको एक नाम और आता है, वो है प्राकृतिक संख्याएं। एक नाम और आता है, वो क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और अगर जीरो भी इंक्लूड कर लिया इसमें, अगर मैंने जीरो भी इंक्लूड कर लिया इसमें, तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ, एक बार फिर से मैं क्लासीफाई करता हूँ, देखिए जल्दी से एक मिनट में क्विक रिवीजन। जो नंबर सिस्टम है, फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, या तो नंबर रियल होगा या इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी तो खत्म हो गया। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होंगी, एक होंगी परिमेय यानी हम उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम उसे नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको नहीं लिख सकते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, और जिसको लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो परिमेय संख्याएं हैं, उन परिमेय का हमने फर्दर क्लासिफिकेशन, या तो हम उसे इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक, या फिर डेसिमल बोलेंगे। यानी कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं, या तो ये दशमलव में होंगी या दशमलव में नहीं होंगी। तो जो परिमेय संख्या दशमलव में नहीं होती उसको इंटीजर बोल देते हैं या फिर डेसिमल बोल देते हैं। अब इंटीजर भी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई। देखिए अगली स्लाइड में मैं परिमेय और अपरिमेय का यहाँ पर फर्दर क्लासिफिकेशन देता हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखेंगे भाई, परिमेय, ठीक है, और अपरिमेय। अब यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे आपके, ये मैंने यहाँ पे हटा दिया, चलिए इसको हटा दें, मैंने अपने आप यहाँ पे हटा दिया। तो परिमेय का मतलब मैंने क्या बोला, रैशनल। रैशनल का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय मतलब जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते यानी कि इरैशनल। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपसे। पहला क्वेश्चन मेरा है, एक नंबर आपने सुना होगा पाई, कि पाई रेशनल है या इरेशनल है, नहीं पता अभी तक, कमेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या पाई रेशनल है या पाई इरेशनल है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन जब हमने बना ही दिया है तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलूँ कि भैया 3/5 परिमेय है या अपरिमेय, आप कहेंगे परिमेय है, ठीक है। मैं बोलूँ -4/5 परिमेय है या अपरिमेय, आप कहेंगे परिमेय। तो अपरिमेय कौन से होते हैं, अपरिमेय होंगे √2, √3 + √5, है ना, या फिर √2/√5, इस तरह के। अब देखिए ये भले से पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक चीज़ और है कि पी और क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, आपके इंटीजर्स। इंटीजर का मतलब है कि आपके पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। चलिए कि P और Q आपके क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई आपको, प्रॉपर डेफिनेशन। अब दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं आपको। अब मैंने पूछा कि भाई 3.5
रैशनल है या इरेशनल है, तो जल्दी से कमेंट में बताइए। 3.5 रैशनल है, बिल्कुल 3.5 क्या है, रैशनल है, यानी कि परिमेय संख्या है 3.5। क्यों है, क्योंकि मैं 3.5 को लिख सकता हूँ 2 संख्या हटा के 10 और 5 7 35 5 9 इस तरह से लिख सकता हूँ, तो बन गया पी अपॉन क्यू। पर यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्वेश्चन है कि 3.52987533 ... क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपका आंसर आएगा कि भैया ये है अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो बनेंगे आपके, तो नहीं लिख सकते ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने बोला आप इंटीजर होने चाहिए पी और क्यू अपने आप में अलग अलग। ठीक है, अब आपके सामने जब ये इतना बड़ा डेसिमल मैंने आगे लिखा और मैंने कहा भैया कि अपरिमेय है, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्वेश्चन है कि 3.52 52 52 52 इनफाइनाइट तक, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपका आंसर आएगा कि भैया ये है परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 3.52 के ऊपर बार, ये जो 52 52 रिपीट कर रहा है ना, ये हमने इसको बांध दिया एक साथ और बार लगा दिया और ये बन गया इस तरह से। तो क्वेश्चन ऑप्शन में अगर आया कि 3.52 के ऊपर बार परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप कहोगे ये क्या है, परिमेय है। क्यों है, क्योंकि 3.52 के ऊपर बार, अच्छा इसको खोलते कैसे मैं आपको सिखा देता हूँ। 3.52 के ऊपर बार खोलने का यहाँ पे सीधा सा तरीका हो जाएगा कि 3 और 52 अपॉन 99, यानी कि 52 अपॉन 99, इसलिए कि जितने के ऊपर बार होता है उतने 9 आ जाते हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाता हूँ, मैंने लिखा 0.7, इसको जब मैं ओपन करूंगा, यानी कि पी अपॉन 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 7 7 7 रिपीट कर रहा है, तो जब मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाऊंगा तो ये बनेगा दोस्तों 7 के अपॉन में 9, सिर्फ एक बार 9 आएगा क्योंकि एक बार बार लगा है। यहीं पे अगर मैं ऐसे ले लूँ 0.78 के ऊपर बार, तो आंसर आएगा 78 अपॉन 99, ठीक है, क्योंकि दो डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, जो परिमेय या अपरिमेय का सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाई एक परिमेय है या अपरिमेय है। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय है, तो आप कहोगे सर 22/7 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जब 22/7 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये बन गया आपका परिमेय, क्योंकि हमने इसे परिमेय वाले खाने में लिया है ना, 22/7 तो परिमेय है। तो आप कहोगे सर हमने ये पढ़ा है कि पाई की वैल्यू भी 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये एक अप्रॉक्सीमेट करके मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 है। एक्चुअल में पाई की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, वो है 3.14159265358 ... यानी कि पाई का जो मान है वो बहुत आगे तक है, वो अभी तक उसकी गणना भी नहीं हो पाई, यानी 10,000 डिजिट तक भी उसका पाई का मान निकल के आता है। और अभी तो मैंने आपको बताया था जब डिजिट बार बार बढ़ती जाती है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि दशमलव हटा के अगर आप जीरो लगाओगे तो कितने जीरो लगाओगे, इनफाइनाइट तक जाएगा ना आगे, तो ये तो कोई नंबर नहीं बना, तो इसलिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, इतना समझ में आ गया, और 22/7 एक परिमेय संख्या। और एक चीज़ याद कर लो कि पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेट मान होता है 22/7, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 22/7 तो 22/7 एक परिमेय है और पाई जो है वो अपरिमेय है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप तक यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। अब कुछ एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी, ये तो हो गया परिमेय अपरिमेय, सम विषम। देखिए चलिए यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ी जगह बना के। तो अगला आएगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट आएगा प्राइम, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले। एक प्राइम आएगा, एक कंपोजिट आएगा, हिंदी में बताता हूँ मैं। एक प्राइम नंबर होते हैं, एक कंपोजिट नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर हैं भाज्य, यानी भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, सॉरी प्राइम नंबर है अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट हैं भाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर अभाज्य, कंपोजिट भाज्य। अब आपको डेफिनेशन भी क्लियर करनी है,
समझाना भी है और क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आंसर्स भी देने। सबसे पहला चीज़ है कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं का मतलब और अभाज्य संख्याएं का मतलब सिर्फ इतना है, एग्जाम्पल के तौर में बताता हूँ, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर कौन से होंगे, ऐसे नंबर्स जिनके दो गुणनखंड होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो गुणनखंड होते हैं, बस जैसे सिर्फ दो होते हैं, क्या बोला मैंने, ऐसे नंबर जिनके दो गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं वो होगी जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ये डेफिनेशन मैं बोल चुका हूँ, एक बार फिर डेफिनेशन बोलता हूँ, ये शॉर्ट वे है, कॉपी पेन लेके आप बैठे होंगे, ये बहुत छोटा तरीका मैंने आपको सिखाया कि भाज्य संख्याएं वो हैं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं और अभाज्य संख्याएं वो है जिनके दो गुणनखंड होते हैं। दो कौन कौन से, एक तो वो खुद और एक वन। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया सेवन, तो सेवन के कितने फैक्टर हैं, सेवन एक तो वन से कटता है, एक तो वन से कटता है और एक खुद से कटता है, तो सेवन के कितने फैक्टर हो गए, आपने कहा दो। तो हमने यही डेफिनेशन बताई थी, ऐसे नंबर जिनके दो गुणनखंड होंगे वो कहलाएंगे अभाज्य। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होगा, एक तो सेवन हो गया, उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लो आप, फाइव ले लिया मैंने, ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल ग्यारह, ग्यारह का एग्जाम्पल ले लो, ग्यारह कितने फैक्टर हैं, एक वन से कटता है ग्यारह और एक ग्यारह से कटता है ग्यारह, और तो फैक्टर्स बनते नहीं है। अच्छा अभाज्य संख्या की बात करें, मैंने लिया नाइन, तो नाइन कितनों से कटेगा, एक तो वन से कटेगा, उसके बाद तीन से भी कटेगा नाइन, है ना, और उसके बाद नाइन से भी कटेगा, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए, आप कहेंगे बिल्कुल दो से ज़्यादा फैक्टर हुए, इसका मतलब नाइन जो है वो आपका भाज्य संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर वन मैं ऊपर लिख देता हूँ, आई होप कि विजिबल होगा, या मैं बोल देता हूँ बस कि जो वन होता है क्या वो भाज्य है या अभाज्य है। क्वेश्चन क्या है, जो वन है वो अभाज्य है या भाज्य है, चेक करते हैं डेफिनेशन से। वन के कितने फैक्टर हैं, वन का एक फैक्टर तो है वन और दूसरा फैक्टर भी वन, यानी कि वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है भाई, वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो क्या मैंने अभाज्य की डेफिनेशन बताया जिसका एक फैक्टर हो वो अभाज्य होगा, नहीं, मैंने बताया जिसके दो फैक्टर होंगे वो तो होगा अभाज्य और जिसके दो से ज़्यादा होंगे वो होगा भाज्य। तो वन वाली तो कोई डेफिनेशन थी नहीं थी, तो स्टार लगा के लिख लेंगे कि वन, लिख लो कॉपी में, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि वन जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये चीज क्लियर हो गई। तो ये ऑप्शन में अगर ऐसा आ गया कि भाई निम्न में से बताइए कौन सा भाज्य है अभाज्य है, तो वन पे निशान नहीं लगाना है, वन ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो आपको बताना है कि हाँ, सबसे छोटा, अब देखिए वन तो है नहीं, नंबर कौन कौन से होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डैश डैश आगे, ये नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि सबसे छोटी, क्वेश्चन याद रखना, ये पॉइंट बना के लिखो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन से होते हैं सबसे छोटा। अब सबसे छोटा कौन सा होता है, एक तो वन है, फिर टू है, अच्छा वन को तो हटा दो, वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इतनी बात समझ में आ गई, वन ना तो भाज्य है अभाज्य है, तो वन को तो हटा दो, वन तो कुछ है ही नहीं। अब दो को चेक करो भाई, दो जो है कितने फैक्टर हैं दो के, एक दो तो वन से कटता है और दो दो से कटता है, यानी कि उसके दो फैक्टर हैं, तो दो फैक्टर वाली डेफिनेशन किसकी थी, अभाज्य की, भाई जिसके दो फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो सबसे छोटा, यहाँ पे लिखो पॉइंट बना के, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था UP SSC में, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्राइम को क्या बोलते हैं, अभाज्य, और वो है दो, ये सबसे छोटा हुआ कि नहीं, लिख दिया मैंने कि भैया सबसे छोटा, ठीक, सबसे छोटा ऐसे लिख दो आप, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, एक बार फिर से बोलूंगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम, तो देखिए वन तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया, ना तो भाज्य अभाज्य, और ये सबसे छोटी है, बट ये क्या है, सम संख्या है, सम मतलब इवन नंबर है, तो हमें विषम बताना था, ऑड नंबर, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपकी हो गई तीन, सबसे छोटी विषम अभाज्य, भाई लिख दूं मैं विषम प्राइम नंबर,
या अभाज्य, वो क्या है? तीन। ठीक है, अब आ जाए कि सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब तो चार ही बची ना, तो ये कौन सी हो गई? सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई? चार। तो आई होप कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर हुई, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के हमने लिखा। अब कुछ और मुख्य बातों पे ध्यान देते हैं भाज्य अभाज्य में। ये तो हमने कर लिया कंप्लीट। भाज्य और अभाज्य को जब हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपको, मैं सीधा क्वेश्चन ही कराता हूँ, और वो क्वेश्चन है जो सबसे मतलब बिल्कुल आपके एग्जाम से आते हैं। तो एक से पचास तक, एक से पचास तक कितने अभाज्य संख्या होती हैं? सवाल क्या है कि एक से लेकर पचास तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो ये नहीं कि आप उंगली पे निकालना शुरू करोगे भाई सबसे, फिर दो है, फिर तीन है, फिर पांच है, फिर सात है, फिर ग्यारह है, ऐसा नहीं करेंगे। याद करेंगे कि एक से पचास तक कितनी है, फिर आप याद करोगे कि एक से सौ तक कितनी है और एक से दो सौ तक कितनी है। इतनी कॉपी पे नोट कर लो और फिर अगली क्लास में मैं यही क्वेश्चन आपको लाइव पूछूंगा। ठीक है, एक से पचास तक कितनी है, आपका सवाल का आंसर आएगा पंद्रह। एक से पचास तक कितनी है, पंद्रह। एक से सौ तक कितनी है, पच्चीस। यानी कि एक से सौ तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं? अभाज्य मतलब प्राइम, अभाज्य मतलब प्राइम, कि एक से सौ तक कितनी होती हैं, पच्चीस। और उसके बाद एक से दो सौ तक कितनी होती हैं, छियालीस। याद कर लो एक बार कि एक से पचास तक पंद्रह, एक से सौ तक पच्चीस और एक से दो सौ तक छियालीस। ठीक, ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, मतलब इन तीन में से एक तो आ ही सकता है कोई सा एग्जाम में, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और भी आता है कैसे आप वो बनाओगे, वो क्वेश्चन भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और परिमेय और अपरिमेय पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए, वो भी मैं अभी कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हो गई आपके सामने। ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट और आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, कि एक से पचास तक, भाई कितना, एक से पचास तक जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनका योग कितना होता है? एक से पचास तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो वो याद कर लो, 328। क्या बोला कि एक से लेके पचास तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं कितनी होती हैं? पंद्रह होती हैं। एक बार फिर याद करो कि एक से पचास तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप कहेंगे पंद्रह होती है, उनका योग कितना होता है? उसका आंसर है 328। ये बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है कि एक से सौ तक जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उनका योग कितना होता है? तो उसका आंसर आएगा 1060। कितना आंसर आएगा? 1060। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताए आप इसको याद कर लें। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऐसे बताया कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इसमें ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन ना आए हो। एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, 2015 में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। एक बार पेपर को देखिए ध्यान से। चलिए अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे अभी शॉर्ट में लिखते हैं कि भैया एक से पचास तक कितनी होती हैं, एक से पचास तक होती हैं पंद्रह, अभी याद कर लो तुरंत। ठीक है, एक से सौ तक कितनी होती हैं, आप कहेंगे पच्चीस। ठीक है, एक से दो सौ कितनी होती हैं, छियालीस। इतने बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है धनात्मक पूर्णांकों में, यानी धनात्मक का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर्स, एक दो तीन चार पाँच, इनमें अगर हम देखें 60 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि 60 से लेके 100 के बीच में, अच्छा हमें तो 1 से लेके 100 के बीच में पता है ना, 1 से लेके 100 के बीच में कितनी होती है, 46 होती है। एक बार फिर से देखो कि भाई 1 से लेके 100 के बीच में तो 46 होती है। ठीक है, इस चीज़ पर फोकस करो। चलिए मैं वेट करता हूँ कॉमेंट सेक्शन में, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि 1 से लेके 100 तक यहाँ पे कितना आंसर आपका आ रहा है। 1 से 100 तक, सॉरी 25 होती हैं, 1 से 100 तक तो 25 होती हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 60 से लेके और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आपके होते हैं, 60 से लेके 100 के बीच में कितने होते हैं। मैंने क्या बताया, क्वेश्चन यहाँ पे फिर से करता हूँ कि 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। भाई अभी तो बताया 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, 60 से लेके 100 तक कितने होंगे,
साठ से लेके 100 तक कितने होंगे, हमें क्या याद है, हमें 50 तक तो याद है भाई, 50 तक कितने होते हैं 15, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं। एक बार कलर चेंज करते हैं पेन का, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो टोटल टोटल 1 से 100 तक है 25, उसमें से आप निकाल दो 15 तो एक निकल गए, ठीक है। उसके बाद और निकालोगे 50 से 60 के बीच में कितने हैं, अब आपका ये देखने वाली बात है कि 50 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, और उतना माइनस कर दोगे आप, है ना, तो वो कितना आएगा माइनस, या मैंने प्लस कर दिया क्योंकि ब्रैकेट लगाया हुआ है, परेशान नहीं होना। तो 50 और 60 के बीच में कौन कौन से होते हैं, देखिए 51 क्या एक प्राइम नंबर है, सोच के देखिए, यहाँ गलती और के चांस बढ़ जाते हैं भाई। 51 प्राइम नंबर नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 17 से कटता है ना, 17 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो 51 तो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 51 के 52 भी नहीं है, फिर 53 को देखते हैं, तो 53 है, तो हाँ 53 एक अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटती है, तो एक 53 हो गया। उसके बाद 54 55 56 को हटा लो, फिर एक बार 57 आ जाएगा, है ना, 58 59 और फिर 60, तो यानी कि अच्छा नहीं 57 है क्या, बिल्कुल 19 से 57 होते, 57 भी यहाँ पे नहीं है, 58 59 आ जाएगा यहाँ पे 59। तो इन चीज़ को ध्यान से देखना है, गलती नहीं करना है। तो दो प्राइम नंबर्स होंगे 50 से 60 के बीच में, ठीक, ऐसे ही कर लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे दो हो गया, तो 15 तो एक से लेके 50 तक हो गए थे याद था, और 50 से आगे दो और हो गए थे, तो टोटल हो गए आपके 17 भाई। एक से 60 तक 17, और एक से 100 तक कितने 25, तो 25 में 17 गए, आपका आंसर आ गया 8। समझ में आया कि भाई एक से लेके 100 तक होते हैं 25, एक से लेके 60 तक मैंने अभी निकाले 17, तो 25 में 17 गए कितने बचे 8, बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अभाज्य संख्या का एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की, कितने अंकों की, दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा, मतलब क्या है कि दो अंकों की, कहाँ से कहाँ तक आते हैं दो अंक, दो अंक जो है 10 से शुरू होते हैं और 99 तक जाते हैं दो अंक, तो आपको बताना है कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो सबसे पहले तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालोगे आप, 99 है बिल्कुल नहीं है, 99 तो कट जाता है, 33 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, उसके अलावा 98 है नहीं कटता, 8 लास्ट में 8 आ गया, मतलब वो सम संख्या है वैसे भी, तो कटेगी किसी ना किसी, दो से ही कट जाएगी वो। तो 97 है क्या, बिल्कुल 97 है क्या, आप देख लो 97 सबसे बड़ी दो अंकों की एक अभाज्य संख्या है, इतनी बात समझ में आ गई। माइनस करेंगे भाई, यही तो करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, छोटी संख्या को माइनस करना है बड़ी में से छोटी। अब दो अंकों की छोटी निकालनी है आपको, दो अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी, 11, 11 ही तो होगी, 10 तो है नहीं प्राइम नंबर, तो 97 से 11 गया 86 बचा, बात समझ में आ गई, 86 इज योर आंसर। देखिए आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, प्राइम नंबर और यानी कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अगर देखिए समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो वीडियो को लाइक करते रहें और फ्रेंड्स में ये लिंक को शेयर करते रहें, ठीक। देखिए अब इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस, अच्छा हमने कौन कौन से भाज्य और अभाज्य वाले क्वेश्चंस तो कर लिए यहाँ पे, अब हम करते हैं कौन से, परिमेय वाले, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय बताने वाले। देखिए परिमेय और अपरिमेय में अंतर देख लेते हैं, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर वन है, एक ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। सवाल है कि इन चार में से कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, और पहला ऑप्शन है आपके सामने अंडर रूट, क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 4 और क्यूब रूट 8, क्यूब रूट 12। समय स्टार्ट होता है अब, आपको बताना है 1, 2, 3, 4 इन चार ऑप्शन में से कौन सा नंबर आपका परिमेय है। परिमेय की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं वो होता है परिमेय नंबर। परिमेय नंबर कौन सा होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, हम इसका क्यूब रूट निकाल ही नहीं सकते, तो ये गलत हो गया, हम इसका भी क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, 12 का भी हम क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, क्या हम 8 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2, 2 ही तो आएगा, अपॉन में 1 इसके हमने मान लिया, इसका मतलब हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो हमारा यही वाला ऑप्शन नंबर ठीक होगा। जितने लोगों ने 3 बताया है बिल्कुल सही है। उसके अलावा और क्वेश्चंस देखते हैं परिमेय या परिमेय के,
परिमेय और अपरिमेय के और क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, क्या बताना है अब, अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, वो तो आप बता देंगे, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन करा दिया, एग्जाम में आया हुआ था, मतलब इसमें एक ऑप्शन पाई था तो आप पाई पे टिक कर लेंगे कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका जो मान है वो बहुत लंबा सा होता है डैश डैश डैश, और ऐसे इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि जो रुकते नहीं है दशमलव, वो आगे बढ़ते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सम और विषम के बारे में तो पता ही होगा, फिर भी डिस्कस करेंगे हम लोग, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, एक दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके सामने 51, 31, 61, 41, आपको बताना है इनमें से कौन भाज्य है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा नंबर भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि भाज्य संख्या है जो किसी और से भी कटता होगा। ठीक, उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल कहीं कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे, जैसे हम बात करें 51, तो 51 ही इसका आंसर सही है, क्योंकि 17 या 51 होते हैं, सीधा सा आप समझ में आ रहा है कि भाई ये 1 से भी तो कटता है, 1 से तो सारे ही कटते हैं, उसके बाद 17 से कटता है ना, और फिर 3 से भी कटता है 17 या 51, और फिर 51 से तो कटता ही कटता है, यानी कि आपका कंपोजिट नंबर हो गया 51। 31 नहीं कटेगा, 61 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा। चलिए उसके अलावा एक और क्वेश्चन, 241 हो गया, 261 हो गया, 271 हो गया, 251 हो गया। ठीक है, इन चारों में बताना है कि कौन सा आपका यहाँ पे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई थी, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब देखना है आपको कि दो से ज़्यादा फैक्टर का मतलब है जो किसी ना किसी से कटता है। अब चेक करेंगे, कैसे चेक करें, ये नंबर इतने बड़े बड़े हैं, मैं इनको ही बड़े बोल रहा हूँ, और भी बड़े नंबर आ सकते हैं, लेकिन इनमें बताइए कैसे करेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, जैसे आपको दो से डिविजिबिलिटी रूल पता है कि लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि संख्याओं का योग, यानी कि संख्याओं का जो एडिशन है वो तीन से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे इसकी बात करें, 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि 7 तो 3 से नहीं कटता, मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। ये देख लो 6 और 2 8 और 1 9, यानी कि ये नंबर, इनका एडिशन कितना आ गया, 9 आ गया, यानी 3 से कटेगा। और जब ये 3 से कट गया तो फिर तो ये भाज्य संख्या होगी ना, जो हमें चाहिए थी ऑप्शन में, भाई 3 से कट गया, हमें दिखाई दे रहा था 2 से तो कट नहीं रहा, फिर 3 से चेक कर लो, 4 से तो 2 वाला ही 4 से होता है, 5 से कर लो, है ना, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो यानी कि 261 आपका आंसर आ गया। 261 कैसे निकला भाई, 261 जो है वो 3 से कट जाएगा, वो मैंने कैसे निकाला, इनका जो अंकों का योग है ये 3 का डिविजिबल है, जैसे 6 और 2 8 और 1 9, भाई 9 जो होता है वो 3 से कट जाता है, यानी कि पूरा नंबर भी 3 से कटेगा, चाहे आप काट के देख लो, 3 8 24 2 बचा 3 27 87 टाइम्स कट गया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है 121 170 141 181 161। इसमें आपको बताना है अभाज्य संख्या, आपको बताना है जो नंबर किसी से ना कटे, यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है जो नंबर किसी से ना कटे, कौन सा है ऐसा नंबर जो किसी से ना कटे। देखिए 121 तो 11 से कटता है, भाई 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, यानी कि ये तो कट गया, ये तो कट गया। 141 बताइए 141 किससे कट रहा है, देखिए 2 से तो कट नहीं रहा है, 3 से चेक कर लो, 4 और 1 5 और 1 6, यानी 3 से कट रहा है बिल्कुल, यानी कट रहा है, तो फिर ये हमारा आंसर गलत हो गया। हमें चेक करना है अभाज्य जो किसी से ना कटे। ठीक है, 181 और 161, दो ऑप्शन बच रहे हैं आपके सामने, 181 और 161, ये ना तो 3 से कट रहे हैं, ना 2 से कट रहे हैं, ना 5 से कट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही अभाज्य हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, ऑप्शन तो एक ही सही होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लो, या काट के देख लो, छोटा नंबर है ना, 7 से काट के देख लो, 7 2 14 21 7 21, भाई ये 7 से कट गया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर कौन सा है आपका, 181। 181 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात आपको आई होप कि समझ में आ गई है। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब सम और विषम को देख लो भाई, ऐसे नंबर जिन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक नंबर के लिए अगर आ गया तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। सम संख्या कौन सी होगी, विषम संख्या कौन सी होगी। सम संख्या वो होती है जिनके अंत में 0 2 4 6 8 आता है। ठीक है, यानी कि बात करें 0 2 4 6 8
जिन नंबर्स के लास्ट में इकाई का अंक इनमें से कुछ एक होगा वो होगा एक आपका सम संख्या। जैसे मैंने लिखा 384, तो लास्ट में चार आ गया तो ये एक सम संख्या है। विषम संख्या क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, जिनके लास्ट में ये आ जाए तो एक विषम संख्या। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जीरो सम है या विषम है, इसके बारे में बताना है। तो जीरो सम है या विषम है? तो जीरो एक सम संख्या है। तो देखिए आज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जीरो सम है या विषम है। वन जो है प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, या हिंदी में बोलें कि वन जो है वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इसका आंसर क्या आएगा? वन ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ठीक है। एक मैंने बताया कि पाई आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, मतलब भाई परिमेय है या अपरिमेय है। तो पाई जो है वो एक अपरिमेय नंबर है, यानी इरेशनल नंबर है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए मैंने आपको, प्रॉपर डेफिनेशन बताई। अगली एक छोटी वीडियो में मैं आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है ना, और ट्विन प्राइम नंबर में डिफरेंस बताऊंगा। तो बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए वीडियो कैसी लगी, और एक बार लाइक करेंगे सभी लोग, शेयर करेंगे फ्रेंड्स में। और ये आपकी मैथ्स की क्लास नंबर 1 थी, जिसमें मैंने अभी बताया कि भाई क्लासिफिकेशन लगभग हमने पूरा समझ लिया है कि भाई नंबर्स के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हैं या वहाँ से क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो सारा हो चुका है। उसके अलावा अभी डेसिमल वाले क्वेश्चंस बचते हैं आपके। डेसिमल के अंदर रिकरिंग डेसिमल का एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं ना कहीं एक नंबर का कभी कभी आ जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन को पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे और शेषफल पढ़ेंगे। लगभग 5 क्लासेज में ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं। तो आपका संख्या पद्धति जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, स्लोली स्लोली हम पढ़ना शुरू करेंगे। बताएंगे वीडियो कैसी लगी, शेयर करेंगे फ्रेंड्स में, और ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से इरेज करें। उसके बाद मैं जितना भी ओवरव्यू था आपको पूरा बताया यहाँ पे, ठीक है। एक बार यहाँ पे फिर आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि नोट्स और लाइव क्लासेस के लिंक के लिए 9121815869 पर व्हाट्सअप करें, अपना नाम लिखें और हमें बताएं कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लेखपाल प्रिपरेशन। और जैसा कि आपको पता है मैंने बताया था कि 5200 वैकेंसीज़ हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। प्रिपरेशन को जीरो से हीरो तक लेके जाना है, एकदम बॉटम लेवल से अप लेवल तक हमें लेके जाना है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बने रहिए और फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, राइट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।